राहील को और उसके घर वालों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो जेनेरा के कानों से सुनते हैं, उसकी आंखों से देखते हैं, उसे बात करने का कोई फायदा नहीं। क्या हुआ, नहीं उठाया फोन? जुनेद उन्हें थोड़ा वक्त दो। और कितना वक्त दो यार, 4 महीने हो गए उन्हें फोन कर करके मैं माफिया मांग मांग के उन्हें वजाहतें दे देकर, और क्या करूं मैं? मुझे माफ नहीं करना चाहता, कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता। पता है गलती भी मेरी है और उसकी सजा मेरी बहन को मिल रही है। जुनेद, तुम अपने किस फैसले को लेकर रिग्रेट कर रहे हो? किसी फैसले को रिग्रेट नहीं कर रहा यार, बहुत खुश हूँ कि मैंने तुमसे शादी की और जुनेरा को छोड़ के तुमसे शादी की। तुमने समरा की तस्वीरें देखी, उससे पता चलता है कि वो अभी भी हमारे घर पे। मैं सही कहती कि मेरा किया जो है ना, वो मेरी बहन के आगे आ रहा है। मैं समझ सकती हूँ जुनेद, तुम समरा के हस्बैंड से बात क्यों नहीं करते? आई एम श्योर वो अपने बेटे और बहन के बीच में कंफ्यूज हो रहे हैं। तुम जुनेरा का असल चेहरा सबको दिखाओ, क्या पता अपनी बहन की सच्चाई जानने के बाद वो समरा को फिर से अपना लें। मैं राहील को और उसके घर वालों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो जुनेरा के कानों से सुनते हैं, उसकी आंखों से देखते हैं, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं। तो फिर सब कुछ वक्त पर छोड़ दो, आई थिंक वक्त ही इसका बेहतर फैसला करेगा। सिर्फ वक्त है, वक्त। इफ यू वांट टू वॉच मोर एंड गेट अपडेटेड, सो फॉलो एआईवाई डिजिटल्स यूट्यूब पेज।